हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर क्लास सिक्स का जो ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन है, देखिए द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये जो लेसन है इसके ऊपर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो एक्सरसाइज है इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाउ डज अ प्लैनेट डिफरेंट फ्रॉम अ स्टार, और उसका आंसर है, इसका आंसर देखिए, द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन व्हाइल द स्टार रिमेन्स फिक्स प्लेस। द प्लैनेट डजंट हैव इट्स ओन लाइट एंड हीट बट स्टार हैव इट्स ओन लाइट एंड हीट। और द प्लैनेट्स आर जनरली स्मॉलर इन साइज देन स्टार्स। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सोलर सिस्टम, और उसका आंसर देखिए, द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सन प्लैनेट सैटेलाइट एस्ट्रॉइड्स एंड मेटर्स, द सन इज हीट ऑफ सोलर फैमिली। थर्ड क्वेश्चन है, नेम ऑल प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ सन, और उसका आंसर है, द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन फॉलोज मर्क्यूरी वेनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज अर्थ द यूनिक प्लैनेट, द लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस आर अवेलेबल ओनली ऑन द अर्थ एंड द लाइफ ऑन द अर्थ मेक्स इट अ यूनिक प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज, आंसर है, द मून टेक्स 27 डेज टू कंप्लीट अ स्पिन ऑन द अर्थ विच इज द सिमिलर टू इट्स टाइम ऑफ वन रिवॉल्यूशन एंड बिकॉज ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन वी कैन सी वन साइड ऑफ द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिवर्स, द आंसर बघा, द कलेक्शन ऑफ मिलियन ऑफ गैलेक्सीज इज कॉल्ड यूनिवर्स एंड इट इज डिफिकल्ट टू इमेज द साइज ऑफ यूनिवर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें फर्स्ट है, द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विंस, और उसके आंसर है देखिए, वेनस। बी नंबर, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, इसका आंसर है अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द, आंसर है नॉर्थ। उसके बाद नेक्स्ट है, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, आंसर है मार्स एंड जुपिटर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स का, इसमें जो फर्स्ट है देखिए, अ ग्रुप ऑफ डायडैश फॉर्मिंग पैटर्न्स इज कॉल्ड डायडैश, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। नेक्स्ट आहे त्यामध्ये, अ ह्यूज सिस्टीम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। थर्ड, मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अवर अर्थ, अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड प्लैनेट्स डू नॉट हैव देअर ओन लाइट एंड हीट। इसके बाद देखिए कुछ शॉर्ट आंसर्स है, शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि है कि हमें यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है। तो फर्स्ट है देखिए सेलेस्टियल बॉडीज, इसका है द ऑब्जेक्ट दैट रिमेन इन स्पेस लाइक द सन मून स्टार एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कॉन्स्टिलेशन, अ पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, एग्जाम्पल उर्सा मेजर, बिग बियर, सप्तर्षी। सोलर सिस्टम, द सन प्लैनेट सैटेलाइट्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज लाइक एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स लाइक मोर मेक द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट सैटेलाइट, अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट, इट मे बी मेड और नेचुरल, मैन मेड और नेचुरल। एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड का है, टाइनी बॉडीज दैट मूव अराउंड अ सन दैट प्रेजेंट बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर्स। नेक्स्ट
मेट्रॉइड्स, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स दैट मूव्स अराउंड सन. नेक्स्ट है जियोइड, द अर्थ लाइक शेप. यूनिवर्स, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. गैलेक्सी, अ ह्यूज सिस्टम दैट कंपेरिज ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. एंड लास्ट है ऑर्बिट, द पाथ इन विच अ प्लैनेट और सैटेलाइट मूव अराउंड. ठीक है, इस तरह से हमने जो लेसन है फर्स्ट उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने यहाँ पर देखे हैं, जो एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व की है. आई होप आप लोगों के ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल लगेगा. ये वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया, पसंद आया, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.